हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ HD मेकअप क्या होता है। देखिए, आपके पास बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें HD मेकअप चाहिए। HD मतलब हाई डेफिनेशन, जैसे कि इसका नाम है हाई डेफिनेशन, यानी कि हाई डेफिनेशन मतलब उसकी जो फिनिशिंग है, डेफिनेशन है, वो हाई होनी चाहिए। ये होता है HD। जब कोई क्लाइंट आते हैं ना, उन्हें भी नहीं पता होता एक्चुअली में कि HD मेकअप को HD मेकअप क्यों कहा जाता है। उन्होंने सुना हुआ होता है कि HD मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लुक देता है और इन्हें HD मेकअप चाहिए। तो आज मैं HD मेकअप आपको बताने वाली हूँ कि HD मेकअप एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे होते हैं जिनके ऊपर HD लिखा होता है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाऊँ, जैसे कि यही देख ले, ये मेरे पास ये है हाइलाइटर जिस पे HD लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाइलाइटर है। हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, मेकअप की बात कर रहे हैं। मेकअप में फाउंडेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जैसे कि ये हमारे पास है फाउंडेशन जिस पे लिखा हुआ है HD, ये देख रहे हैं, कैपिटल H और कैपिटल D। तो HD इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते जिस पे HD लिखा होता है, उनमें उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये होता है, HD का मतलब कि उस प्रोडक्ट में सिलिकॉन, माइका, क्वार्ट्स के फाइन पार्टिकल्स हैं। फाइन मतलब कि बहुत ही बारीक, बहुत ही बारीक, इतने फाइन पार्टिकल्स हैं कि वो यानी कि उसमें दिखाई नहीं, प्रोडक्ट में दिखाई देते, लेकिन जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। वो होते हैं HD प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे फाउंडेशंस होते हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है जैसे क्रीम टाइप फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, मूज फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, और हमारे पास जो पाउडर फाउंडेशन, ये जो है ये क्रीम टाइप का फाउंडेशन है, लिक्विड टाइप का फाउंडेशन है। ऐसे ही मेरे पास ये मूज टाइप का फाउंडेशन है, ये हमारे पास है मूज फाउंडेशन। इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हर एक फाउंडेशन अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास लिक्विड फाउंडेशन है, मैंने जो पहले मूज दिखाया था, ऐसे ही हमारे पास जो पाउडर फाउंडेशन आते हैं वो कवरेज देती हैं, कवरेज के लिए पाउडर फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो हमारे पास फाउंडेशंस होते हैं, ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। क्रीम वाले कुछ इस तरह से आते हैं, क्रीम वाले फाउंडेशन मैं आपको दिखाऊँ, कुछ इस फॉर्म में आते हैं, इस तरह से क्रीम फाउंडेशंस आते हैं। तो अलग अलग फाउंडेशंस होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर HD लिखा हुआ है, मतलब कि उसमें सिलिकॉन, माइका, क्वार्ट्स के फाइन पार्टिकल्स हैं। देखिए, जब हम HD मेकअप करते हैं ना, और उनसे जैसे कि कोई, जैसे कि हम पिक्स करते हैं, पिक्स लेते हैं हम कैमरा से, और जिस तरह हम जैसे ब्राइडल्स वगैरह होती हैं वो उनकी पिक्स होती हैं, तो इतने फाइन होते हैं, इतना नेचुरल लगते हैं आपके फेस पे कि कैमरा भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि आपका मेकअप कुछ और है और आपकी स्किन कुछ और नजर आ रही है, ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से उन्हें HD बोला गया है। ठीक है, हाई डेफिनेशन इसी वजह से बोला गया है। एक और चीज़ है कि जो हमारे HD फाउंडेशंस होते हैं वो आपके स्किन के प्रॉब्लम्स को अच्छे से हाइड नहीं करते। क्यों हाइड नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये है हाई डेफिनेशन, हाइड क्योंकि देखिए, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने फाइन होते हैं, वो नेचुरल लुक देने के लिए होते हैं, वो इसलिए नहीं होते वो आपको कि आपको बिल्कुल ज़्यादा कवरेज देनी है, इसलिए नहीं होते। वो क्या होते हैं, आपको नेचुरल लुक देने के लिए ही बनाए गए होते हैं। इसी वजह से जब हम HD प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने जो हमारे जैसे अंडर आइज में डार्क सर्कल्स होते हैं, या फिर इस एरिया में जो डार्क सर्कल्स होते हैं, या फिर किसी के पिम्पल्स होते हैं, उसके लिए उन हमें अपना कलर करेक्शन करनी पड़ती है। जैसे कि रेड पिंपल्स होते हैं तो ग्रीन कलर का करेक्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि येलो स्किन होती है तो हल्का सा ब्लूइश टच देना पड़ता है। और जो इंडियन स्किन टोन्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला करेक्टर है वो है हमारे पास ऑरेंज करेक्टर। जो हमारी अंडर आइज होती हैं वो हल्की सी जो हमारी शेड होती है उनके लिए ब्लू, ऑरेंज करेक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑरेंज करेक्टर से हमारे जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाइड हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी कलर करेक्शन बताई थी
ठीक है, तो हमेशा मैं आप देखना कि रेड, जैसे कि रेड पिंपल है किसी को और आप उस पर रेड कलर का ऑरेंज करेक्टर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रेड कलर का, अगर आप उस पर ऑरेंज करेक्टर लगा देते हो तो वो और ज़्यादा विजिबल होने लग जाता है। तो रेड को हाइड करने के लिए ग्रीन का यूज़ करते हैं, ऑपोजिट कलर्स का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो क्या करते हैं कि हम अपने पहले कलर करेक्शन करते हैं, जहाँ जहाँ स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हाइड करते हैं, CTM करते हैं। सबसे पहले तो CTM ही होती है, ठीक है ना, क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। देन हम, अगर आपने सीरम यूज़ करना है तो पहले यूज़ करना पड़ता है, या फिर आपने सनस्क्रीन यूज़ करनी है। ऐसी बातें क्या, मेकअप में सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते, वो भी यूज़ करते हैं, वो भी आप प्राइमर से पहले ही यूज़ करते हैं, बाद में यूज़ नहीं करते। फिर हम प्राइमर यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है ताकि हमारा हर एक प्रोडक्ट सेट हो जाए। प्राइमर यूज़ करते हैं, देन हम अपने कलर करेक्टर्स करते हैं यूज़। कलर करेक्टर्स यूज़ करने के बाद हम अपने ये जो यानी कि जो भी हमारे स्पॉट्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हाइड करते हैं। और उसके बाद हम देते हैं अपना फाउंडेशन या बेस, जो भी हमने जिस कलर का देना है। अगर आपको थोड़ी फेयर स्किन टोन चाहिए तो पहले आपको इनके फेस के कलर का जो फाउंडेशन है वो देना पड़ता है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे फेयर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से एक फेयर टोन ले सकते हैं। लेकिन HD का मतलब यही है कि ये क्या करेगा कि आपको जब आप कलर करेक्शन वगैरह कर दोगे, उसके बाद जब आप HD फाउंडेशन लगाओगे और उसको उसको कवर करोगे, तो जब आपके कैमरामैन जो आपकी पिक्स लेते हैं, वो कितना भी जूम कर लें उन्हें, तो आपका जो मेकअप है ना, अब वो अजीब नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। इसी वजह से HD फाउंडेशंस का यूज़ किया जाता है, HD मेकअप किए जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट पे HD जो है वो लिखा हुआ होता है, HD प्रोडक्ट पे HD जो है वो गिवन होगा, लिखा हुआ होगा कि HD है, मतलब कि इनके सिलिकॉन के पार्टिकल्स हैं, सिलिकॉन माइका क्वार्ट्ज के फाइन पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ही नेचुरल और स्मूथ लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स, HD में अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि आपके पास HD फाउंडेशन है और HD ही क्रीम फाउंडेशन है, आप चाहते हो कि आपका लिक्विड फाउंडेशन हल्का सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप एक HD का लिक्विड फाउंडेशन लोगे और इसमें HD का ही एक क्रीम फाउंडेशन ऐड कर दोगे। HD का लिक्विड फाउंडेशन लोगे और HD का ही हल्का सा क्रीम फाउंडेशन जो है वो ऐड कर दोगे, जिससे उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ेगी तो मतलब कि उसका जो कवरेज है वो भी बढ़ जाएगी, है ना, कवरेज भी साथ के साथ बढ़ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि आप HD के दो प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं कर सकते, आप मूज़ को लिक्विड के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्रीम के साथ मिक्स नहीं कर सकते, आप पाउडर के साथ मिक्स नहीं कर सकते, आप कोई भी फाउंडेशन किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हो। ये है कि HD लिक्विड, ज़्यादातर तो आप HD लिक्विड ज़रूर लें, लिक्विड वाला जो फाउंडेशन है उसमें आप, अगर कम थिकनेस चाहिए थोड़ा सा मूज ऐड कर दो, अगर थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो थोड़ी सी क्रीम HD फाउंडेशन ऐड कर दो, अगर आपको और ज़्यादा थिकनेस चाहिए थोड़ा सा पाउडर फाउंडेशन उसमें ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो कवरेज है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। मान लो कि आपने एक लिक्विड लिया है, उसमें आप थोड़ा सा पाउडर ऐड कर दो, पाउडर HD क्रीम लिया है, HD क्रीम फाउंड क्रीम, या फिर आप क्रीम में भी ऐड कर सकते हो, क्रीम फाउंडेशंस होते हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आपने लिक्विड फाउंडेशन लिया है, लिक्विड फाउंडेशन में आपने हल्का सा HD पाउडर ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, थिक हो जाएगा थोड़ा, तो जब वो लगाएंगे तो उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी देगा। तो क्या हुआ कि आप एक HD लिक्विड फाउंडेशन को एक HD लिक्विड फाउंडेशन के साथ ऐड कर सकते हो, मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप एक HD लिक्विड फाउंडेशन को आप क्रीम के साथ भी ऐड कर सकते हो और पाउडर के साथ भी, लेकिन दोनों HD होने चाहिए, ठीक है ना, पाउडर HD के साथ भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज के फाउंडेशन भी ऐड कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सेम ही कंपनी का ऐड करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि फाउंडेशन की शेड लेने के लिए, जो फाउंडेशन की शेड हमें चाहिए वो लेने के लिए भी हमें ऐड मिक्सिंग करनी पड़ती है,
ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे HD, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास या लूँगी मैं अपनी मिक्सिंग की, फाउंडेशन मिक्सिंग की, कि फाउंडेशन मिक्सिंग किस तरह से करनी है, उसमें मैं आपको मिक्सिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह से करनी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम अलग गलत शेड ले लेते हैं तो उसको हमने करेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा आज HD मेकअप के ऊपर था कि HD मेकअप किस तरह से होता है। तो आपको आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि HD मेकअप एक्चुअली में क्या होता है और उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।